वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई एग्जाम तक में। दोस्तों, आप सभी आईटीआई छात्रों के लिए जो है काफ़ी अच्छी भर्ती आ चुकी है असम राइफल में। तो आईटीआई के अलावा जो है 10 पास भी काफ़ी अच्छी भर्ती है। जो भी स्टूडेंट जो है 10 पास हैं उनके लिए भी कई पोस्ट पर जो है भर्ती आ चुकी है। इसमें आईटीआई लेवल की जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 16 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 16 अगस्त को। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो ये पहली बात जो है आप जान लीजिए, ये परमानेंट वैकेंसी है, यानी कि सरकारी नौकरी है। यहाँ पर 1230 पोस्टों पर वैकेंसी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर। और यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वह 1 दिसंबर 2021 को जो है कंडक्ट होगा, यानी 1 दिसंबर को इसका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा बात करेंगे कब से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्म जो है 11 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाला है। 11 सितंबर से स्टार्ट होगा और 25 अक्टूबर तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके बात करते हैं किन किन पोस्टों पर जो है वैकेंसी है। तो यहाँ पर बात करेंगे आईटीआई लेवल की पोस्टों पर। तो यहाँ पर पहली पोस्ट आप देख सकते हैं जो 10th लेवल है आईटीआई लेवल के है, इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल। जो मेल कैंडिडेट किसी राइफल मैन की पोस्ट है, इसमें टोटल 42 सीटें हैं और इसमें जो है क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास विथ साइंस। आप जो है 10 में साइंस मैथ और इंग्लिश से पास होने चाहिए। तो ये पहली पोस्ट हो गई 10वीं लेवल की पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है लाइन मैन की, ओनली जो है मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। राइफल मैन की पोस्ट ये भी है, 28 पोस्टों पर जो है वैकेंसी है। 10 क्लास यहाँ पर चाहिए, यानी 10वां पास होना चाहिए। चाहे आप आर्ट साइड से पास हो या फिर साइंस से, कोई मतलब नहीं है, सभी का यहाँ पर चलेगा। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। अगली पोस्ट है आईटीआई लेवल की इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक। मैकेनिक की जो पोस्ट है यहाँ पर 3 पोस्टों पर जो वैकेंसी है और इसमें जो है 10 के साथ आईटीआई चाहिए मैकेनिक ट्रेड से। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, इसमें जो है 24 पोस्ट है, 10th के साथ जो है आपको आईटीआई चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड में। अगली पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक की, इसमें 12 जो है वैकेंसी है, 10 के साथ आईटीआई चाहिए इंस्ट्रूमेंट ट्रेड की, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के स्टूडेंट्स में अप्लाई करेंगे। अगली है व्हीकल मैकेनिक की, इसमें जो है 35 सीटें हैं, इसमें आपको जो है 10 के साथ जो है इंग्लिश मैथ और साइंस चाहिए। इसके अलावा जो है डिप्लोमा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई चाहिए, या फिर इसमें जो है आप डिप्लोमा किए हों या फिर आईटीआई किए हों, सभी चलेगा। अगली पोस्ट है यहाँ पर आप होलिस्टर की, 14 पोस्ट है, आईटीआई पास होना चाहिए, इसके साथ साथ जो है आईटीआई आपका होना चाहिए। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन मेल कैंडिडेट की, इसमें जो है 43 सीटें हैं, इसमें जो है 10 के साथ आईटीआई चाहिए। सभी में एज लिमिट रखी गई है, यानी कि 18 से जो है 23 साल के स्टूडेंट ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली जो है 18 से 23 साल के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है सर्वाइवर की, इसमें 10 पोस्ट है, 10 के साथ आईटीआई चाहिए। अगली पोस्ट देखिए एक्सरे की, इसमें जो है 28 पोस्ट है, इसमें जो है इंटर के साथ जो है डिप्लोमा चाहिए। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट पर जो है वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई और डिप्लोमा लेवल की। इसके अलावा जो है 10th लेवल की कई सारे पोस्टें हैं। तो आप सभी के लिए जो है बम्पर भर्ती है ये,
यहाँ पर आप सभी के लिए 11 जो है सितंबर से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो है इसका प्रोसेस जो है चल रहा है, तो 11 सितंबर से जो है आप सभी का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के लिए जो है काफ़ी अच्छी भर्ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।